सिम्स भर्ती घोटाले की जांच को लेकर नेहरू चौक में संविदा और ठेके में काम करने वाले कर्मचारियों ने काम से निकाले जाने के बाद 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन की शुरुआत गुरुवार से कर दी, जिसमें सर्वदलीय मंच के लिए सभी का समर्थन बेरोजगार पूर्व कर्मचारियों ने मांगा है। धरना प्रदर्शन को पहले ही दिन कांग्रेस, आप पार्टी और अन्य संगठनों ने अपना समर्थन दिया और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की। सिम्स सबसे में पहले तोड़ना पड़ेगा कि विभिन्न अगर आप सरकार में कर्मचारी, बैठे हो, तृतीय एवं चतुर्वर्ग कर्मचारी जो विधायक बने हो, 14-15 वर्षों से आप अपनी कार्य कर रहा तरफ से था, नहीं बने, लेकिन जब वो विज्ञापन निकाला गया तो वहाँ के अधिकारियों अभी देखिए एवं कर्मचारियों द्वारा भारी मात्रा में फर्जी पड़ कर अपने अपने तीन तीन चार चार रिश्तेदारों को अवैध तरीके से नियुक्ति दे दी गई, जिसकी शिकायत हमने माननीय कलेक्टर महोदय से लेकर माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव से किया था, जिसकी जांच आज दिनांक तक नहीं हुई है, जिसकी जांच को मांग कर लेकर आज हमने यहां पर 2 दिवसीय धरने का आयोजन किया है। 2012-13 में जो विज्ञापित किया गया था उसमें चतुर श्रेणी में स्वीपर, वार्ड बॉय से लेके अटेंडेंट से लेके बहुत से कर्मचारी हुए थे, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और सहायक ग्रेड तीन, कंप्यूटर ऑपरेटर और विभिन्न पदों में जो भर्ती हुई है, समस्त भर्तियां नियम विरुद्ध और अवैध तरीके से की गई है, जिसकी शिकायत पिछले 1 साल से हमारे द्वारा की गई है और ये लड़ाई आंदोलन आगे और भी उग्र रूप लेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सिम्स प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन और शासन की होगी।